आसमान में बादल गरज रहे थे और तेज बारिश हो रही थी। भावेश बारिश में भीगते हुए अपने गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर चला जा रहा था, तभी उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। भावेश, रुको भावेश, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। ये आवाज़ सुनकर भावेश इधर उधर देखता है और उसे दूर सड़क पर बने टीन शेड के नीचे बैठी भिखारिन दिखाई देती है। भिखारिन भावेश को देखकर मुस्कुरा रही थी। भावेश उसे देखकर अपने आप से कहता है, अरे ये तो भिखारिन है, मैं भी खामखा वहम में पड़ गया। यही सोचकर भावेश फिर से अपने घर की तरफ चल देता है, मगर इस बार उसकी चाल कुछ तेज हो जाती है। अभी वो कुछ दूरी ही जा पाता है कि तभी आसमान में तेज बिजली कड़कती है और उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, भावेश रुको भावेश, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। ये आवाज़ सुनकर भावेश थोड़ा रुककर जैसे ही पीछे की ओर देखता है तो सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। इसे देखते ही भावेश के मुंह से चीख निकल जाती है, बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल, गांव में चुड़ैल आई है, बचाओ मुझे। इस तरह चुड़ैल से खौफ खाकर भावेश चीखते हुए अपने घर की तरफ भाग लेता है। फिर घर पहुंचकर भी बहुत डरा होता है। उस चुड़ैल के बारे में राधिका से बताता है। राधिका भावेश की पत्नी है। राधिका, बाहर सड़क पर चुड़ैल घूम रही है, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है। क्या हमारे गांव में चुड़ैल घूम रही है? फिर तो सबको सावधान करना जरूरी है जी। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। उस दिन के बाद गांव में कई लोगों को चुड़ैल नजर आती है और सब में चुड़ैल के नाम का डर फैल जाता है। इसी बीच गांव में एक सब्जियां बेचने वाली नजर आती है। इस खूबसूरत और जवान सब्जियों वाली को देखकर कई हैरत में पड़ जाते हैं। ए, सब्जियां बेचने वाली, कहीं तुम ही तो चुड़ैल नहीं हो? का कह रही हो, शर्म नहीं आवत का? हम इतना गोरी चिट्टी शहर का मैम जैसा जवान लड़की तो है, चुड़ैल नजर आवत है? अब ये चुड़ैल हो ही नहीं सकती, चल जबान बंद कर और फुट यहाँ से, मुझे इससे सब्जियाँ खरीदनी है। इस तरह अमन सब्जियाँ बेचने वाली को रोक लेता है और फिर उसकी टोकरी में रखी सब्जियाँ देखने लगता है। टोकरी में तरह तरह की सब्जियाँ होती हैं, मगर सब्जी वाली को उसे कद्दू खरीदने के लिए मना लेती है। आप ये कद्दू ले लो साहब, बड़ा ही मजेदार है, इसकी सब्जी खाकर तबीयत हरी हो जाएगी। अच्छा ऐसा है तो कद्दू ही दे दो मुझे। अमन उससे कद्दू खरीद कर अपने घर में ले जाकर रख देता है और वो चली जाती है। इसके कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर अचानक से वो भिखारी आ जाती है और अमन उसे कुछ रोटियां देकर वहां से भगा देता है। फिर जैसे रात होती है तो अमन के सिर मौत मंडराने लगती है। घर में रखा कद्दू अचानक जोर जोर से हिलने लगता है और फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फिर चुड़ैल का रूप ले लेता है। ये देख कर अमन चीखने लगता है, बचाओ बचाओ, मेरे घर में चुड़ैल है, बचाओ बचाओ। अमन चुड़ैल को देखकर जैसे ही चीखना शुरू करता है, चुड़ैल उसे तुरंत गर्दन से पकड़कर उसका सारा खून चूसकर उसे मार डालती है और फिर गायब हो जाती है। सुबह गांव वालों को उसकी लाश ही मिलती है। भावेश भाई, जरूर वो भिखारिन ही चुड़ैल है, क्योंकि कल शाम को वही अमन के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा था। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी उसी पे शक है, जरूर वही चुड़ैल है। कौन चुड़ैल है और कौन नहीं है ये तो भगवान ही जाने, पर इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तो ये सारे गांव वालों को मार डालेगी। उस दिन के बाद से गांव वाले सावधान होकर रहने लगते हैं और उस सब्जियां बेचने वाली और भिखार इन दोनों पर नजर रखने लगते हैं, मगर फिर भी चुड़ैल बाज नहीं आती, आए दिन किसी न किसी की जान लेती रहती है। एक दिन भावेश की पत्नी राधिका जब अपने खेतों से लौट रही होती है तो उस भिखारिन को सब्जी वाली के पास बैठे देखती है। दोनों कच्चे रास्ते में बैठकर बातें कर रही थीं। केला खाएगी? बहुत मीठा केला है, बहुत मीठा केला है, तो जल्द सी तो खा लेती हूँ। हाँ हाँ, केला दे। ये कहते हुए भिखारिन सब्जी वाली से केला लेकर जैसे ही खाने लगती है तो वो सब्जी वाली अचानक ही चुड़ैल बन जाती है और इस भिखारिन की गर्दन पकड़कर अपने लंबे दांतों से उसके सारे शरीर का सारा खून चूसकर उसे मार डालती है। ये देखकर तो राधिका के प्राण ही सूख जाते हैं और वो चीखते हुए गांव की तरफ भाग जाती है। बचाओ बचाओ, सब्जियां बेचने वाली चुड़ैल है, सब्जियां बेचने वाली चुड़ैल है। राधिका ये कहते हुए भागती जाती है कि तभी आसमान से खून की बारिश शुरू हो जाती है और इसके साथ ही अचानक से चुड़ैल राधिका के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर राधिका डर से कांपते हुए चीखती हैं, बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, कोई बचाओ। कौन बचाएगा तुझे भावेश,
अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। मैं तुझे मार कर तेरा रूप लूंगी और राधिका बनकर भावेश के साथ तेरे घर में रहूंगी। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे भावेश से प्यार है और जब तक मुझे भावेश नहीं मिल जाता मैं लोगों का खून पीती रहूंगी। खून, शांति नहीं मिलेगी मुझे। ये कहकर चुड़ैल खून की बारिश में भीगती हुई राधिका की तरफ बढ़ती है, मगर इससे पहले कि चुड़ैल राधिका की गर्दन दबोच पाती भावेश वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर चुड़ैल हंसने लगती है। आ गए तुम, तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए था भावेश, क्योंकि तुम राधिका को मरते नहीं देख पाओगे। पर तुम राधिका को क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें पाना चाहती हूँ। पर मैं राधिका से प्यार करता हूँ और इसे मरता नहीं देख सकता। अगर मारना है तो मुझे मार दो, पर इसे छोड़ दो। ये कहकर भावेश चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर चुड़ैल की तरफ जाते राधिका घबरा जाती है और उसे बचाने के लिए खुद भी चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगती है। भावेश को कुछ मत करना चुड़ैल, मारना है तो मुझे मारो, इसे मत मारना। नहीं नहीं, इसकी बात मत सुनो, मुझे मार दो। भावेश और राधिका के बीच इतना गहरा प्यार देखकर चुड़ैल को न जाने क्या हो जाता है, वो खुद ही डरकर पीछे हटने लगती है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें नहीं मारना, मैं तुम दोनों के प्यार के आगे हार गई, मुझे माफ कर दो, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए चुड़ैल पीछे हट जाती है और तभी आसमान से एक बिजली टूट कर सीधे चुड़ैल पर जा गिरती है। चुड़ैल देखते ही देखते भस्म हो जाती है और इसके साथ ही खून की बारिश भी गायब हो जाती है। भावेश और राधिका कुदरत का ये चमत्कार देख हैरान रह जाते हैं। वैसे तो आकाश का परिवार अमेरिका में रहता था, लेकिन हर साल वे लोग इंडिया घूमने आया करते थे। अमेरिका में शहरी जीवन में रहते रहते आकाश का परिवार ऊब जाता था, इसलिए आकाश ने गोवा के पास एक गांव में छोटा सा मकान खरीद लिया था। हर साल वे लोग जब इंडिया आते तो उसी गांव के मकान में रुका करते। मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, क्या तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आऊँ? तुम अमेरिका में तो बिजी रहते ही हो, कम से कम जब छुट्टियों के लिए यहाँ आए तो हमारे साथ रहा करो ना। मैं जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूँगा, बाय। आकाश अपनी पत्नी रूबी और बेटे अर्पित को गांव में छोड़कर मुंबई निकल गया। अर्पित पूरे दिन बैठा बैठा टीवी देखता रहा। रात को अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अर्पित बुरी तरह पेट के दर्द से तड़प रहा था। यहाँ गांव में तो आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, मैं अभी ऑनलाइन डॉक्टर देखती हूँ। रूबी ने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करके मेडिसिन भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। मम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस बेटा, 2 घंटे में मेडिसिन आ जाएगी। अर्पित पेट पकड़कर लेटा रहा और उसकी माँ सोफे पर बैठी मेडिसिन आने का इंतजार करती रही। 12 बजने वाले थे, रूबी की आंख लग गई। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मम्मी उठो तो, लगता है मेडिसिन आ गई है, जल्दी डोर पर जाओ। रूबी दरवाजा खोलने चली गई और अर्पित ने फिर से टीवी ऑन कर लिया। अचानक अर्पित को बाहर से अपनी माँ के बुरी तरह चीखने की आवाज सुनाई दी। अर्पित तुरंत दौड़ते हुए मेन गेट की तरफ गया। उसने देखा कि मेन गेट खुला हुआ है। बाहर मेडिकल बॉक्स लिए एक चुड़ैल खड़ी थी और अर्पित की माँ चुड़ैल के बराबर में धरती पर पड़ी हुई थी। उसके सिर से खून बह रहा था। वो अपने रूम की तरफ अपने पापा को कॉल करने के लिए दौड़ा। अर्पित के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। हेलो पापा, हमारे घर कोई चुड़ैल आ गई है, उसने मम्मी को मार दिया या शायद बुरी तरह से घायल कर दिया है। अर्पित अपने पापा से बात कर ही रहा था कि चुड़ैल उसके रूम तक पहुंच गई। सर, आपकी मेडिसिन। फोन अर्पित के हाथ से छूट कर गिर गया और वो रूम के पीछे वाले दरवाजे से घर से बाहर निकलकर गौशाला में घुस गया, जहाँ ढेर सारा भूसा रखा हुआ था। मैं इस भूसे में छिप जाता हूँ, चुड़ैल मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। अर्पित ने अपनी आँखों को छोड़कर बाकी पूरे शरीर को भूसे से ढक लिया। कुछ देर बाद अर्पित को अपने सामने पड़े भूसे के ढेर में कुछ हलचल दिखाई दी। आपकी मेडिसिन सर। अर्पित बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ दोबारा घर में भाग गया। उसने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और बेड के नीचे छिपकर बैठ गया। वो 1 घंटे तक बेड के नीचे छिपा रहा। तभी दरवाजे पर उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी। अर्पित, दरवाजा खोलो बेटा, क्या तुम अंदर हो? अपने पापा की आवाज सुनकर अर्पित की जान में जान आई।
हाँ पापा, मैं बस अभी आया। अर्पित ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि चुड़ैल उसके पापा की गर्दन पकड़े खड़ी थी। आज मेरा बदला पूरा होगा। चुड़ैल ने आकाश के सिर में चाकू घोंप दिया। फिर वो अर्पित की तरफ बढ़ी। इस बार अर्पित को दरवाजा बंद करने का भी समय नहीं मिला। वो अपने रूम की तरफ दौड़ा और उसने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन चुड़ैल दरवाजा तोड़कर उसके कमरे में घुस गई। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे मम्मी पापा को क्यों मार दिया? बिगाड़ा तो मैंने भी नहीं था तुम्हारे मम्मी पापा का, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से बेवजह मेरी जान चली गई। क्या तुमने कभी पता करने की कोशिश की कि तुम्हारे पापा पिछले 3-4 सालों में इतने अमीर कैसे बन गए? मेरे पापा शेयर्स की खरीद और बिक्री से इतने अमीर हुए हैं? नहीं, तुम्हारे पापा एक ठग और चोर थे जो नकली दवाएं बेचने का धंधा करते थे। तुम्हारे पापा ने एक बड़ी दवा बेचने वाली कंपनी की वेबसाइट को कॉपी करके एक डुप्लीकेट वेबसाइट तैयार की। उसी से वो नकली दवाइयां बेचता था। तुम्हारी माँ रूबी वेबसाइट से आने वाले कॉल्स को हैंडल करती थी। मुझे डायबिटीज की जेनेटिक प्रॉब्लम थी। अक्सर मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ती थी। एक रात मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैं मुंबई में जॉब करती थी और अकेली ही रहती थी। मैंने ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर की और नकली दवा के इंजेक्शन लगा लिए। उनसे कोई असर नहीं हुआ। सुबह तक मेरे कुछ दोस्त मेरे रूम पर पहुंचे, तब तक मेरी जान जा चुकी थी। वे मुझे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि अगर सही समय से मुझे मेडिसिन मिल जाती तो मेरी जान बच सकती थी। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने पिता जैसे काम नहीं करोगे। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। कुछ सालों बाद जब अर्पित समझदार हो गया तो उसने अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी बेचकर सारे पैसे एक चैरिटी हॉस्पिटल को दे दिए।